जाती है आपकी स्किन पर। तो सारी टैनिंग समर के विंटर में भी जाइए टैनिंग, अगर आप अपनी अपनी स्किन का ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकते हैं गाइज, नहीं रखते हैं तो टैनिंग बहुत ही हार्म करती है आपकी स्किन को। ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं आपकी स्किन पे, झाइयाँ हो जाती है आपकी स्किन पे, और सनबर्न हो जाता है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो आज का हमारा वीडियो है गाइज इसी वे का, ताकि आप अपनी स्किन से सन टैन रिमूव कर सकें। कुछ होम रेमेडीज़ के इस्तेमाल से ही आप चाह के धीरे धीरे करके आपने सन टैनिंग और आपने चेहरे की डलनेस को रिमूव कर सकते हैं। अब एक बार लगाने से कोई ये तो नहीं है कि एक बार लगाने से आप एकदम ठीक हो जाएगी। अगर रेगुलरली आप यूज़ करेंगे कोई भी चीज़ होती है, अगर आप इसको टाइम वेस्ट भी यूज़ करते ना गाइस, तो बहुत आपके लिए फ़ायदा ही करती है। अगर आप सोचेंगे एक दिन लगा के आप हो गए एकदम, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि, क्योंकि अगर आप पतले हैं, अगर आप एक ही दिन भरपेट खाना खा लेंगे, ज़रूर से ज़्यादा खा लेंगे, तो नुकसान करेगा। ये नहीं कि एक बार खा के ही आप मोटू हो जाएंगे। तो गाइस ऐसे ही आपको, जैसे अपने हेल्थ के लिए आप रेगुलर खाना खाते हो, पानी पीते हो, फ्रूट्स खाते हो, वैसे स्किन को भी ऐसी बहुत सारी ज़रूरत होती है, जैसे टाइम टू टाइम देना जरूरी है। अगर आप नहीं देते आपकी स्किन हो जाती है बहुत ही ज़्यादा बेकार। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, मेरी स्किन कुछ टाइम पहले बहुत बेकार थी, मैंने इसको बहुत मेडिसिन लिया, मेरे चेहरे पर ब्लैक पैचेस पड़ गए थे बहुत, ब्लैक एंड वाइट। और मोस्टली कब होता है मेरे, ये 2 ईयर्स हो रहा है, ये होते हैं मेरे को मार्च के महीने में होते हैं, जब होली आने वाली होती तभी होते हैं। मैंने बहुत मेडिसिन करा, एक डॉक्टर से पूछा, एक डॉक्टर ने बोला कि आपने कुछ खा लिया, उल्टा सीधा ये इन्फेक्शन है। ओके, मैंने दवाई खाई, कोई फ़र्क नहीं, फिर है यहाँ पर। फिर मैंने कहीं और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे दवाई वगैरह दी, फेस पैक पे लगाने के लिए बोला। हाँ, तो मैं रेगुलरली बेस पे अपने फेस की केयर करने लगी। तो आप देख सकते हैं मेरे इस पर कुछ नहीं है गाइस। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि आप कितने भी बिजी शेड्यूल आपका है, तो आप अपनी स्किन केयर और हेयर केयर जरूर करें। कुछ टाइम ही लगता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लेगा आपका ये बस। सो गाइस, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी को टॉपिक के ऊपर है कि अपने चेहरे की आप टैनिंग कैसे दूर कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप धूप में जाते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, 10 से 5 के बीच में आप याद रखें कि आपने सनस्क्रीन लगा रखी है। गैस भी अब 30 तो होनी ही चाहिए कम से कम। सो गाइस, अगर आप ये नहीं लगाते हो तो आपके लिए बहुत ही, आप अपनी स्किन के साथ बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हो, इन फ्यूचर ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, डे बाई डे ही बढ़ता ही है। और सन की यूवी रेज़ आपकी स्किन को डैमेज हो जाती है, तो अपनी स्किन को अपने हेयर को प्रोटेक्ट करके जाएँ आप कहीं भी जा रहे हैं। और सनस्क्रीन तो मस्ट है गाइस, आप जरूर लगाया करें, क्योंकि आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाती है और आपकी स्किन की केयर भी करती है। सो आज का मेरा वीडियो है सन टैनिंग को रिमूव कैसे करें पूरे घर में कुछ इजी स्टेप्स में। सो गाइस चलिए देखते हैं। सो गाइस, फर्स्ट लिया है मैंने फुलर सर्क यानी कि मुल्तानी मिट्टी 2 चम्मच। सो गाइस, सेकेंड लिया मैंने कॉफ़ी, इसमें होता है एंटी ऑक्सीडेंट। और मैंने लिया है थर्ड कर्ड यानी कि दही 2 चम्मच। अब मैं लूँगी रोज वाटर यानी कि गुलाब जल, अब मैं इसे कर लूँगी अच्छे से मिक्स गाइस। तो गाइस, अगर आपको ड्राई लगे तो इसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल और ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके का होना चाहिए आपका पेस्ट, ताकि आपके चेहरे पर ईजिली अप्लाई हो जाए और टपके या ज़्यादा टाइट ना हो, ताकि ये आपके चेहरे पर स्प्रेड ना हो सके। सो गाइस, इसे लगाने के लिए हमें चाहिए होगा एक छोटा सा टमाटर। तो हम लेंगे एक छोटा सा टमाटर यानी कि टमाटो। सो गाइस, टमाटो आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए मदद करता है, आपके ब्लैक हेड्स रिमूव करता है, वाइट हेड्स रिमूव करता है, आपके स्किन से मुहासे को रिड्यूस करता है, आपकी स्किन ऑयली है तो उसको भी रिमूव करता है, और आपके चेहरे पे बॉडी पे सनबर्न है तो गाइस ये उसको रिड्यूस करता है। आपकी जहाँ जहाँ सनबर्न हो रखा है, आप इसे डेली यूज़ पे, रेगुलर यूज़ पे ओनली टमाटो को यूज़ करें तो आपका सनबर्न बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, इसे ऐसे कर लेना है अच्छे तरीके से अप्लाई, और इसे करेंगे हल्के हाथों से मसाज। सो गाइस, मैंने फर्स्ट लिया था फुलर सर्क यानी कि मुल्तानी मिट्टी। ये गाइस आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को निकालता है, स्किन ब्राइटनिंग में मदद करता है। सेकेंड था हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी में होता है भारी मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट, आपकी स्किन को यंग बनाता है, फाइन लाइंस को कम करता है। और कर्ड यानी कि कर्ड तो यार गाइस आपकी स्किन के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें होता है कैल्शियम, विटामिन डी, और ये समर के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन डैमेज होने से रोकता है, क्योंकि समर में आपकी स्किन हो जाती है यूवी रेज से काफ़ी डैमेज, ये उसको सनबर्न को भी रिमूव करता है और स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है। और रोज़ वाटर तो आप जानते हैं, वो तो स्किन को टोनिंग में मदद करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड लाइट एंड ब्राइटर बनाता है। गाइस को हम कर लेंगे, गाइस इसी तरीके से अपने चेहरे को, चेहरे पे करना है आपको अप्लाई।
देखिए गाइज, आप देख सकते हैं जहाँ जब मैंने अप्लाई किया है उसका थोड़ा वहाँ का कलर थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, आपको ग्लोई लग रहा है। अब जब मैं वॉश करूँगी चेहरा, आप देखिए मेरे चेहरे कितना ग्लोई लग रहा है। गाइज अगर आपको सनबर्न है तो मैं कहूँगी कि हाँ आप ना इसे हफ्ते में दो बार यूज़ दो या तीन बार यूज़ करें गाइज। सो गाइज, इसे मसाज करने के बाद जो पैक जो हमारा बचेगा उसे फेंकना नहीं है गाइज, उसे अपने चेहरे पर कर लेना है अप्लाई। अब फिर हम इसे छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे और इसे उसके बाद इसे कर लेंगे हम नॉर्मल वाटर से वॉश। तो गाइज अपने नेक पर लगाना कभी मत भूलिए, ताकि आपकी स्किन और आपका फेस और आपकी नेक की स्किन अलग ना दिखे। तो गाइज मैंने कर लिया है अपने चेहरे को वॉश, तो देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना स्मूथ और ग्लोइंग लग रहा है। शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।